नमस्कार, द गहनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट संदीप दुबे सर के साथ हैं। नमस्कार सर, आप अपना परिचय बताएं। हम मेरा नाम संदीप दुबे है, मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ, मीडिएटर भी हूँ और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूँ। जी सर, कानून के शासन को स्थापित करने में न्यायपालिका की कितनी भूमिका है? देखिए, जब हम भारत जैसे देश में रहते हैं जहाँ पे गरीबी है, असमानता है, अशिक्षा है, और किसी को भी जब आम व्यक्ति से अब जब पूछेंगे तो आम व्यक्ति सोचता है कि उसको उसके साथ जो गलत हो रहा है उसे न्याय कहाँ मिलेगा, तो सिर्फ न्यायपालिका के शरण में चला जाता है। अंतिम विश्वास जो है वो न्यायपालिका ही है और ईश्वरीय रूप मानते हैं हम लोग। जो हमारे यहाँ जजेस हैं, जुडिशरी है, वो इतना अच्छा काम करती है कि लोगों का जब विश्वास जीतने में हमारी जुडिशरी सफल है, क्योंकि कोई भी हो सरकार, ज़्यादातर 80% केसेस में तो सबसे बड़ी लिटिगेंट गवर्नमेंट खुद ही है, तो गवर्नमेंट के खिलाफ आम जनता को विश्वास है कि अगर सरकार भी कुछ गलत करेगी तो न्यायपालिका उसके साथ है, वो न्याय वहां से होगा। डेफिनेटली। बीते दिनों माननीय न्यायालय की तरफ से जेंडर जस्ट बुकलेट जारी किया गया, जिसमें कुछ शब्दों को बैन कर दिया गया। इसके पीछे वजह क्या था और इसका भविष्य में असर कितना होगा? देखिए, हम सबके अच्छे बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है और हम लोग कहीं भी हों, किसी भी रूप में हों, हम सबको हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। हमें इस न्यायपालिका के निर्णय पे हमें गर्व महसूस होता है। इसलिए गर्व महसूस होता है कि हमारी जो बहन बेटियाँ हैं वो हमारी हैं, हमारे भारत में जन्मी हैं और हमारी सभ्यता और परम्परा सनातनी है, और सनातन सभ्यता परम्परा में तो हम अपनी बहनों को देवी दुर्गा के रूप में देखते हैं। तो हम अगर गलत शब्दों से उनकी तरफ कुछ आरोप लगाते हैं, उंगली उठाते हैं, उनको परिभाषित करते हैं तो काफ़ी खेद होता है और समाज में एक घृणा का भाव आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस घृणा के भाव को ख़त्म करने के लिए शब्दों में इस तरह का आदेश जारी किया। इसके लिए मैं सर्वोच्च न्यायालय के जो जजेस हैं उनको काफ़ी धन्यवाद दूंगा। अपराध तो अपराध होता है, फिर हमें अलग से महिला के विरुद्ध अपराध या क्राइम अगेंस्ट वुमेन क्यों जरूरत पड़ती है इसकी? देखो बहन, सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, भारत को, अपने देश को हम लोग को समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ काफ़ी अशिक्षा है महिलाओं में, खास तौर से असमानता है, हमारे यहाँ लिंग के आधार पे भी भेदभाव है। बिल्कुल, मैं खुद कह सकता हूँ कि अगर हम चार भाई हैं और चार बहनें हैं तो सबसे पहले भाई ही घर में खाना खाते हैं, उसके बाद बहनों की बारी आती है, खाना बचा खुचा भी हो तो खा के खुश रहती है। तो हमें सोचना है जो हमारे बारे में सोचे, तो हमारी बहनें जब हमारे बारे में सोचती हैं, हमारी माँ मेरे बारे में जीती है सोचती है, तो क्या उनके बारे में हमने सोच के गलत किया? तो समाज को तो सबसे पहले अपनी उनके बारे में सोचना चाहिए जो उनके लिए सोच रहे हैं। तो इस तरह का विषय जब भी आता है तो समाज आज जागरूक हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारी महिलाएँ, हमारी बहनें बेहतर शिक्षा प्राप्त करें, हमसे कंधा से कंधा मिला के चलें और बेहतर समाज में करें। तो इसके लिए सबको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हमें अपने बहनों को बेहतर शिक्षा देनी है, बेहतर स्वास्थ्य देना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस देश में आज भी गांव में जो महिलाएं हैं गर्भ धारण करती उसके बाद ही उनकी डेथ हो जाती है, 20 पैसे की या 40 पैसे की उनको टैबलेट नहीं मिल पाती खून के अभाव में। और एक और अच्छी बात बताऊं, विवेकानंद जी से कुछ लोग मिलने गए और ये बात पूछा कि विवेकानंद जी, हमें ना अपने देश में महिलाओं के उत्थान के बारे में काम करना है। तो विवेकानंद जी ने कहा कि भाई, अगर तुम सब लोग सही मायनों में महिलाओं के उत्थान के बारे में काम करना चाहते हो तो उनको स्वतंत्र कर दो, उनकी स्वतंत्रता में तुम बाधक न बनो, उनके लिए ऐसा सोचो, ऐसा करो ताकि वो जो बेहतर सोच रही हैं, तुम्हारा पालन करती हैं, तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती हैं, और वो जो सोच है उनके सोच के पीछे अगर तुम खड़े होगे तो महिलाएं ज़्यादा सशक्त होंगी, ज़्यादा आगे बढ़ के आएंगी। तो हमें लगता है आज ये समाज कर रहा है और इसके लिए सारा श्रेय अगर देना चाहते हैं तो अभी देखिए महिला आरक्षण बिल भी आया, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए हम नौजवानों को। जेंडर रिस्पॉन्सिव सोसाइटी को कैसे अचीव कर सकते हैं? मुझे लगता है कि मानसिक परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है और मानसिकता बदलने की ज़रूरत अभी भी है समाज में। अभी आप चले जाइए राजस्थान, चले जाइए मध्य प्रदेश या जो भी पिछड़े राज्यों की श्रेणी में जो राज्य आते हैं, वहाँ ज़्यादा कुछ काम करने की आवश्यकता है और ये बताने की ज़रूरत है कि अभी भी देश में स्वीकार करना पड़ेगा कि लोग भोजन के लिए लड़ रहे हैं, भूखमरी है, हमारी लोग अपने बहनों को बेच देते हैं, कोई अपनी बेटियों को बेच देता है, अभी भी ये खरीद बिक्री और कई तरह की असमानताएँ समाज में देखी जा रही हैं।
ऐसा है, स्वीकार इसलिए करना पड़ेगा कि अगर आप चाहते हैं कि बदलाव आए तो सबसे पहले जो कमी है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। और तो एक सभ्य समाज को भी ये स्वीकार करना पड़ेगा कि जो बहनें हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रही हैं उनको ये स्वतंत्रता हो और उनको ये खुशी महसूस हो कि वो मेरे साथ खड़ी हैं, जैसे तू खड़ी है, ये छोटी बेटियां खड़ी है, तो लगे कि मैं अपने भाई के साथ खड़ी हूँ। ऐसा ना हो कि वो गिद्ध दृष्टि उसको देख रहा हो और वो असुरक्षित महसूस करें। तो ऐसे जगह पे खड़ा होकर तो माँ बहनें कितनी भी आगे चली जाएं उनको तो उस समाज से डर लगेगा। तो आज जरूरत है सबको, वो चाहे छोटा हो बड़ा हो, सब लोग इस बात को ध्यान रखें और सोचें कि अपने घर से हम शुरुआत करें, अपनी बहनों को अच्छी शिक्षा दें, अपनी माँ बा जो हैं या मेरी और भी रिश्तेदार में बुआ लगती हैं या और भी रिश्तेदार के गांव के लोग हैं उनको सुरक्षित हाँ, महसूस इतना सुरक्षित उन्हें महसूस कराएं, फील गुड कराएं, ताकि जब लिखे तारीख गुलशन की तो हमें भी याद रखना हमने भी लुटाए हैं चमन में आसियां अपना। ये भाव आए सब में और हर भारतीय में भाव होना चाहिए ताकि राष्ट्र प्रथम रखे और राष्ट्र के लिए बेहतर सोचने और करने की जरूरत है। मैं तो इतना ही कहूंगा। सर उनको क्या कहना चाहेंगे आप अभी सशक्तिकरण की या फिर हीन भावना से हीन दृष्टि से बेटियों को ना देखा जाए, इक्वालिटी की बात करते हैं, खाना जैसा कि आपने कहा कि पहले बेटों को पूछा जाता है, डेफिनेटली हमारे घर से ये सोच शुरू होती है, लेकिन जब आती है संपत्ति लेने की तो चार भाई हैं जैसा कि आपने कहा तो चारों भाइयों में बढ़ जाता है, चाहे लड़ाई हो झगड़ा हो एक हफ्ते में मैटर सॉल्व, वो अपनी जमीन लेके रहता है, लेकिन एक बेटी अगर है वो अपनी जमीन की मांग करती है तो उससे जिंदगी भर के लिए रिश्ते तोड़ दिए जाते हैं। तो ऐसे समाज में ऐसे विकृति वाले लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए दो चीजें हैं, जीवन धैर्य से चलता है और धीरज से चलता है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, हम किसके लिए लड़ रहे होते हैं, पहले बेटा आया या पहले मेरी बहन आई? हम अपने बेटे के लिए इकट्ठा करते हैं धन, उसके लिए लड़ रहे होते हैं कि वो धनी हो जाए, लेकिन पहले मेरी बहन भी तो आई है तो बहन के बारे में कौन चिंता करेगा, प्यारा भाई चिंता करेगा। तो बहन और भाई के रिश्ते में मैं तो इतना ही कहूँगा कि जब कलाई पे बहन राखी बांधती है तो सब कुछ भूल जाती है, सिर्फ चाहती है भैया खुश रहे, उसका यश बढ़े, उसकी कृति बढ़े और धनवान बने, सिर्फ बहन ही अपने भाई के लिए सोचती है। वैसे भाई को भी सोचना कि मेरी बहन खुश रहे, धनवान बने और उसकी यश कीर्ति बढ़े। तो हम सब लोग दो एक इंजन के दो पहिए हैं, उसके अधिकार सुरक्षित। तो न्याय पालिका अपना काम कर रही है, कानून बना सकती है, सरकार भी अपना काम कर रही है, लेकिन सामाजिक स्तर पे जो भाई बहन का प्रेम है उसे हम लोगों को प्रगाढ़ करना है। तो वो जो लोग भी आपके माध्यम से सुन रहे हैं, आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो इस विषय को, मैं तो यही कहूंगा उस प्रेम को बनाए रखिए, यहां से कुछ लेके नहीं जाना है। आपके अच्छे कर्म, आपके अच्छे संस्कार, आपके अच्छे विचार आपके काम आएंगे और आपके जाने के बाद वही बहन सबसे पहले रोने आएगी क्योंकि वो आपके साथ स्वार्थ से नहीं जुड़ी है। इसलिए भाई बहन के रिश्ते को प्रगाढ़ करना चाहिए और मजबूत बनाना चाहिए। मैं यही कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। थैंक यू वेरी मच आप लोग आए, मुझे अवसर दिया अपनी बात रखने का, इसके लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, द ज्ञानी से मैं शिल्पी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सबको भी नमस्कार, श्रोताओं को।